अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका टॉपिक है ग्रेडिंग विद मल्टीपल स्लोप इन सिविल 3D और ग्रेडिंग बाय यूजिंग वेरिएबल स्लोप इन सिविल 3D। यहाँ स्क्रीन में आपको एक सरफेस नजर आ रही है, तो इसमें जो है एक साइड में जो है वो कट स्लोप है, ओके, और बाकी जो तीन एज हैं वो वर्टिकल हैं, ठीक है। तो इस तरह की ग्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं सिविल 3D में, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। यहाँ पे मुझे एक पिक्चर भेजी गई है जिसमें उन्होंने एक प्लान बनाया है, एक रेक्टेंगल बनाया है और उन पे उन्होंने दो सेक्शन कट किए हैं, जिसमें उन्होंने शो किया है कि जो सेक्शन ए है, ठीक है, उसमें ये साइड स्लोप होगी, ठीक है, ओके, और ये ऊपर एग्जिस्टिंग सर्फस होगी और जबकि नीचे डिज़ाइन सर्फस जो हम बनाएंगे वो होगी। और दूसरा जो सेक्शन है ये जो हॉरिजॉन्टली कट किया गया है, ठीक है, इसमें जो है ये दोनों एज जो है वो वर्टिकल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन काटे गए हैं तो ये इस तरह सेक्शन आने चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। यहाँ पे ड्राइंग में मेरे पास जो है ये एक एग्जिस्टिंग सरफेस है। हम इसका ऑब्जेक्ट व्यूअर में व्यू देख लेते हैं कि ये किस तरह की सरफेस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इस टाइप की ये सरफेस है और इसी के ऊपर जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप मैंने बनाई है। यही उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सिंपल अगर रेक्टेंगल हो और इसके एक साइड में स्लोप हो और बाकी में वर्टिकल हो तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो इसी रेक्टेंगल से जो है मैंने ये अलाइनमेंट क्रिएट की है और इस अलाइनमेंट की ये सरफेस प्रोफाइल बन रही है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं ये सरफेस प्रोफाइल है, सरफेस की ये शेप आ रही है इस अलाइनमेंट के अंदर। और यहाँ पे ये जो है मैंने इसमें डिज़ाइन प्रोफाइल बना दी है। डिज़ाइन प्रोफाइल आपकी इसमें कुछ कर्व वगैरह हो सकते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसको स्ट्रेट ही रखा है। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये जो प्रोफाइल है ये जीरो एलिवेशन पे है क्योंकि हमारा जो OGL है वो ज़्यादा उसमें एलिवेशन नहीं था, इसलिए मैंने इसको कट दिखाने के लिए यहाँ पे जीरो पे रखा है, ओके। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कॉरिडोर मेथड से करूँगा। कॉरिडोर मेथड से करने के लिए मैंने इसके लिए दो असम्बली यूज़ की हैं जो हम देखेंगे इसमें। पहली जो असम्बली है इसमें हमने ये एक वर्टिकल लिंक लगाया है। ये वर्टिकल लिंक है, ये क्या चीज़ है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जेनरक में जाना है, जेनरक में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लिंक स्लोप टू सरफेस ये वाला जो लिंक है इसको मैंने यहाँ पे वर्टिकल लगाया और सेम लिंक को यहाँ पे मैंने स्लोप दी है, ओके। यहाँ पे 50% स्लोप है, 1:2 की स्लोप है, ओके। और ये दो असम्बली हम यूज करेंगे इसके लिए। अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे हम कॉरिडोर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं कॉरिडोर पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने जो पहले असम्बली यूज करनी है वो हमारी यहाँ पे ये वर्टिकल असम्बली है, ओके, ये अलाइनमेंट है, ओके। तो अलाइनमेंट में हमारे पास ये अलाइनमेंट है, इसका ये डिज़ाइन प्रोफाइल है और यहाँ पे ये जो असम्बली है ये असम्बली हमने यहाँ पे वर्टिकल असम्बली यूज़ करनी है। टारगेट सरफेस में हमारे पास ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे ये जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कोई भी रख लें। मैं इसको 0.5, ओके, जस्ट मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई रीबिल्ड, ओके। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो कॉरिडोर हमारा रन हो गया है यहाँ पे, मगर इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। नज़र क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारा वर्टिकल है, इसलिए जो है वहाँ पे एक लिंक ही क्रिएट हुआ है। अभी यहाँ पे हमने इसको ओके, ये हमें यहाँ पर चाहिए था, ओके, तो ये यहाँ पे रोक दिया मैंने इसको। अभी जस्ट मैं इसको अगर अप्लाई करके ओके करूँ तो ये बन जाएगा। यहाँ पे अभी हम जो है एक न्यू रीजन ले लेते हैं और यहाँ पे साइड स्लोप की जो असम्बली है वो ले लेते हैं और यहाँ पे इसको जो है मैं इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो मैं कम कर देता हूँ, ओके। जस्ट मैंने इसको ओके किया
और यहाँ पे आपने इसका सरफेस टारगेट जो है वो सेट कर लेना है यहाँ पे। ओके, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके रीबिल्ड। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये जो है ये यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो रहा है। तो आपने इसको जो है दोबारा से यहाँ से एक दफा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। रिमूव रीजन, यस, अप्लाई, ओके ओके। या आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। ओके, अभी अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करूँ इंसर्ट रीजन, ओके, और यहाँ पे मैं इसको ये असेंबली दे देता हूँ। ओके, और यहाँ से हम इसको ये वाला जो है, ओके, ये वाला साइन कर देते हैं पॉइंट, और इसको हम एक दफा ऐसे चेक कर लेते हैं कि ये कैसे बन रहा है। पॉइंट वन, ओके, अप्लाई, रीबिल्ड, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये ऐसे ही बना है। जस्ट इसको मैं यहाँ पे असेंबली जो है साइड स्लोप हमने दिया था, और यहाँ पे जो इसका टारगेट है ये मैं असाइन कर देता हूँ। ओके रीबिल्ड। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये ठीक सारा से बन गया है। तो इसको आप जो है आप इसकी फ्रिक्वेंसी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसमें अभी यहाँ पे जो है मैं एक सरफस बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं, ये मेरा टॉप कोड है, ओके, और यहाँ पे इसके साथ मैंने टॉप कोड से असेंबली बना दी, और यहाँ पे फीचर लाइन है। फीचर लाइन में मैंने यहाँ पे जो मार्क पॉइंट लगाया है, ये मार्क पॉइंट कहाँ पे लगाया है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, अप्लाई, रीबिल्ड, ओके। तो यहाँ पे जो है अभी सरफस हमारी बन गई है। तो सरफस हम देख लेते हैं कि ये कैसी बनी है यहाँ पे। ओके, ऑब्जेक्ट व्यूअर, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये सरफस हमारी ऐसे बनी है। अभी हमें यहाँ पे ये जो ये तीन वॉल है, यहाँ पे हमें वर्टिकल सरफस रिक्वायर्ड है। तो वो हम कैसे लेंगे वो हम देखते हैं इसमें। तो इससे पहले हम मार्क पॉइंट देख लेते हैं कि मार्क पॉइंट मैंने कहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक मैंने मार्क पॉइंट लगाया हुआ है इसकी फीचर लाइन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक हो गया। तो अभी हमने यहाँ पे जो है इसकी फीचर लाइन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो फीचर लाइन हमने कौन सी एक्सट्रैक्ट करनी है, वर्टिकल पॉइंट पे जो हमारी फीचर लाइन बन रही है हमने वो एक्सट्रैक्ट करनी है। मैं यहाँ पे कॉरिडोर को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये फीचर लाइन एक्सट्रैक्शन की ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करके एंटर करता हूँ। यहाँ पे ये जो P2 है, ठीक है, यही हमारी फीचर लाइन है जो हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे ये जो है मैं इसका व्यू जो है अभी स्प्लिट करता हूँ। ओके, और ये वाला जो व्यू है इसको मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक पे कर देता हूँ। इसमें अभी ये जो हमारी सरफस है इसको मैं नो डिस्प्ले पे कर देता हूँ, ये अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे ये जो सरफस है इसको मैंने यहाँ पे नो डिस्प्ले पे कर दिया। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हमारी कॉरिडोर सरफस बन गई है, और यहाँ पे ये जो इसका जो वर्टिकल लिंक है वो यहाँ पे आ गया है। आप लोग देख सकते हैं जो हमें चाहिए था। इसमें अभी हमें मैनुअल थोड़ी सी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसकी फीचर लाइन है इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड करना है। यहाँ होम टैब में जाना है आपने, और यहाँ पे ये जो फीचर लाइन है इस पे आपने क्रिएट न्यू कर देना है। यहाँ पे कोई भी आप एक नाम दे दें, मैं इसको ए का नाम दे रहा हूँ, और जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, एंड पॉइंट, और ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से इसने एलिवेशन ले लिया है, और यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं इसको एंड पॉइंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है मैं इसको एलिवेशन देता हूँ और ग्रेड दे देता हूँ। ग्रेड में मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको ये सेट कर दिया। ओके, यहाँ पे अभी अगर ये डिस्टर्ब हो रहा है तो आपने सेम जिस पॉइंट पे आपको चाहिए आपने उस पर यहाँ पे लगा देना है इसको। इस फीचर लाइन को आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ ये ज्वाइन का बटन है, आपने इस पर क्लिक करके ये जो फीचर लाइन हमने कॉरिडोर से एक्सट्रैक्ट की इसको आपने सेट करके राइट क्लिक इंटर करना है, तो ये आपका यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी सेम जो प्रोसीजर है वो हमने यहाँ पे रिपीट करना है। यहाँ पे मैं फीचर लाइन टूल में जाता हूँ, क्रिएट फीचर लाइन, और यहाँ पे मैं इसको बी का नाम दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे एंड प्रेस, एंड वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने ले लिया। यहाँ पे इसने इसका एलिवेशन ले लिया है, और यहाँ पे मैं इसको
फिर एंड पॉइंट का नाम देता हूँ ओके। और ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करना है ओके। और जस्ट इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे ये हमारी लाइन बन गई है, फीचर लाइन बन गया है। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ज्वाइन टूल पे क्लिक किया और ये जो पहली फीचर लाइन है इसके साथ मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये फीचर लाइन हमारी यहाँ पे ये कट एरिया भी क्रिएट कर रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसमें ये जो असेंबली के वर्टिकल इंसर्शन है वो भी आपको नजर आ रहे हैं। अभी ये वाली जो फीचर लाइन है इसको हमने इसी सरफस में जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे इस सरफस को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड डाटा में मैं चला गया। ऐड डाटा में यहाँ पे ब्रेक लाइन की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इसको एज ए वर्टिकल वॉल आपने इसको एंटर करना है। और जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे ये जो मिड ऑर्डिनेट डिस्टेंस है इसको मैंने 0.01 रखा है, मैं इसको जस्ट ओके करता हूँ। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको साइड दे दी, यहाँ पे मैंने इसको हाल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे अभी हम अपनी सरफस का जो है वो व्यू चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सरफस बड़ी जबरदस्त तरीके से बन के आ गई है ओके। अभी हम इसको जो है वो कंपेयर कर लेते हैं अपनी दूसरी सरफस के साथ के क्या ये कैसे क्रिएट हुई है। और इसमें जो है इसको मैं फॉर्मेट ओके और इसको मैंने ये स्टाइल असाइन कर दिया ओके। अभी यहाँ से हमने जो सरफस हाइड की थी इसको मैं यहाँ पे ओके, इसको यहाँ पे मैं जो है ये सरफस का स्टाइल असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। अभी अब हम दोनों सरफस को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे और इसको मैंने सिलेक्ट किया। और यहाँ पे अभी अगर आप ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाएं ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे ये जो एरिया था इसके साथ इसने वर्टिकल लिंक जो है वो क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे ये जो जैसे सरफस थी उसी में इसने इसको क्रिएट किया है। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये वो स्लोप है ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड थी यहाँ पे ओके। अभी हम इसका सेक्शन चेक कर लेते हैं कि आया ये सेक्शन जो है वो ठीक से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो यहाँ पे ये सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे अलाइनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये अलाइनमेंट क्रिएशन टूल में चला जाता हूँ ठीक है। अभी ये कोई भी आप इसको ए बी जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, मैं ऐसे ही इसको बी बी का नाम देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको टेंजेंट ले लिया और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने F8 पर प्रेस करके ऑर्थो मोड ऑन कर दिया ओके। और यहाँ पे मैंने ये एक अलाइनमेंट क्रिएट कर दी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल लाइन क्रिएट की इस अलाइनमेंट पे और इसको मैंने जस्ट ओके। और ये हमारी एग्जिस्टिंग ग्राउंड है और ये हमारी जो है ये फाइनल ग्राउंड है ओके ओके। और यहाँ पे जो है आप ये जो सेंटर पॉइंट है इस पे मैंने क्लिक किया ओके 50 50। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो एक सैंपल लाइन हमारी क्रिएट हो गई है। इस सैंपल लाइन में को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्रिएट सेक्शन व्यू पे क्लिक किया, नेक्स्ट 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 ओके। जस्ट मैं यहाँ पे सेक्शन कट करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वो सेक्शन है ठीक है जो हमें रिक्वायर्ड था ठीक है। बिल्कुल ये सरफस को कर रहा है टारगेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सेक्शन जो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कट के आ गया। अभी हमने ये वाला सेक्शन लेना है तो ये सेक्शन भी हम देख लेते हैं कि ये हम कैसे लेते हैं। और यहाँ पे जो है दूसरा सेक्शन अभी हमने कट करना है ठीक हो गया। यहाँ पे जो है मैं एक अलाइनमेंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट अलाइनमेंट ओके, इसको मैं डबल ए का नाम दे देता हूँ और ओके। यहाँ से मैं एक टेंजेंट लेता हूँ ओके, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले लें ओके, राइट क्लिक, यहाँ पे अलाइनमेंट हमारी क्रिएट हो गई है। अभी हमने इस पे एक सैंपल लाइन क्रिएट करनी है, तो ये हमारी अलाइनमेंट है ओके। यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट लिया ओके,
यहाँ पे ये जो है ये हमारा फाइनल ग्राउंड है। ओके ओके, यहाँ पे हमने एक सेक्शन क्रिएट करना है। ओके 50 50, ओके यहाँ पे सैंपल लाइन बन गई है हमारी। ये सैंपल लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्रिएट सेक्शन व्यू, सिंगल सेक्शन व्यू मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके और यहाँ पे मैंने इसका ये सेक्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सरफेस के हिसाब से जो है इसने इसको जो टारगेट किया है, इसमें कट और फिल दोनों आ रहे हैं। हमें जो है वो सेम एज इट इज चाहिए जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, तो हम सरफेस के हिसाब से देख लेते हैं वो सेक्शन हमारा किस जगह पे आएगा। तो मैं इस सैंपल लाइन को सेट करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ओके अभी हम अपना सेक्शन देखेंगे तो आपको यहाँ पे सेम वैसा ही सेक्शन नजर आ रहा है जैसा रिक्वेस्ट था। ठीक है, तो ये इसका मेथड था कि आप इसकी सरफेस ये कैसे बना सकते हैं। अभी अगर आप इसका कट फिल वॉल्यूम लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। एनालाइज टैब, वॉल्यूम डैशबोर्ड, वॉल्यूम डैशबोर्ड में यहाँ पे हमारे पास पहली जो इसको मैं वॉल्यूम सरफेस का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे ये जो हमारे पास बेस है वो 1 है, और यहाँ पे ये जो कंपेयर है ठीक है वो सीडी के नाम से है। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कट और फिल का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे आ गया है। तो ये मेथड था इसका। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।